Hello everyone, this is Sufia. Welcome back to the Sufia's Biology. In this video, we will see the positive and negative regulation of lacoperone. Lacoperone model में basically क्या देखा गया था कि जो E. coli है उसका जो जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है, इसलिए क्या बनाया गया था, लैकोपेरोन मॉडल बनाया गया था. तो लैकोपेरोन है क्या, लैक जो क्या है, लैक्टोज है जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है. ओके, जब इसे हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये दो है सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डेट इज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में. ऑपरोन इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि लैकोपेरोन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ये क्या कहते हैं, इनका एक कॉमन प्रोमोटर होता है और ये क्या कहते हैं, इसके साथ एक कोऑपरेटिव वर्क करके जीन का एक्सप्रेशन करते हैं, इसीलिए क्या कहा गया है, इसे ऑपरोन कहा गया है. ओके, और ये जो क्या है प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है. ईकैरियोट्स में किस लिए नहीं देखा जाता, क्योंकि हर एक जीन का उनका खुद का एक प्रोमोटर होता है, उन्हें ऐसा कोई भी कोऑपरेटिव वर्क नहीं करना पड़ता है, इसीलिए उसमें ऑपरोन नहीं देखा जाता है. ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म यूज हुए लैकोपेरोन में. ओके, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं लाइक जेड होते हैं, लाइक वाई होते हैं, लाइक ए, इन जीन्स का क्या होता है, एक कॉमन ऑपरेटर एंड प्रोमोटर होते हैं. एक रेगुलेटरी जीन भी होते हैं जिसे लैक आई बोलते हैं, आई स्टैंड फॉर इनहिबिटर, इसका भी खुद का क्या होता है, एक प्रोमोटर होता है. ये जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन कोड्स करते हैं. लैक जेड क्या, कौन सा प्रोटीन बनाता है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, लैक वाई क्या बनाता है, परमीएज, एंड लैक ए क्या बनाता है, ट्रांसएसिटाइज. ओके, लैकोपेरोन में जो है लैक्टोज के कैटाबोलिज्म को दिखाया गया. तो चलिए अब हम देखते हैं कि लैकोपेरोन कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेट हो रहा है. हम दो केस देखते हैं, पहला जब लैक्टोज प्रेजेंट है और दूसरा जब लैक्टोज अब्सेंट है. ओके, लैक रेगुलेटरी जीन जो लैक आई है वो क्या होता है, इसे रेगुलेट नहीं किया जाता. ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA एंड उसके बाद ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन बनाता ही रहता है, इसे रेगुलेट नहीं कर सकते. जो ये प्रोटीन बनाता है लैक आई, ये कौन सा, इस प्रोटीन का नाम क्या है, लैक रिप्रेसर नाम है. ये लैक रिप्रेसर जो है ये क्या होता है, 4 यूनिट का होता है. इसे जो 4 यूनिट्स होते हैं इसमें क्या होता है, 2 यूनिट जो है मिलकर क्या बनाता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन बनाता है, और 2 यूनिट बनकर मिलाकर क्या बनाता है, इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन बनाता है. ओके, ये जो लैक रिप्रेसर है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज क्या करता है, खुद में चेंजेस लाकर अपना एक आइसोमर एलोलैक्टोज बना लेता है. ओके, ये एलोलैक्टोज क्या करता है, जाकर जो लैक रिप्रेसर में बाइंड कर जाता है और खुद में ऐसा कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आता है जिसकी वजह से जो लैक रिप्रेसर है ये जाकर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं करता. तो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड कर जाता है और क्या करता है, आगे बढ़कर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है तो उसके से क्या होता है, एमआरएनए बनता है, उसके बाद ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनते हैं, जो 3 प्रोटीन्स का मैंने पहले बताया. तो इस प्रोटीन्स का काम क्या है, लैक जेड क्या बनाता है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाता है. तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करता है, जो लैक्टोज जो मीडियम में प्रेजेंट है उसे क्या करता है, वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है और फिर जो ई कोलाई है वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है. परमीएज जो लैक वाई क्या बनाया, कौन से प्रोटीन बनाया, परमीएज. ये परमीएज क्या करता है, एक्टिव अपटेक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, यानी जिस ई कोलाई मीडियम जिस मीडियम में ई कोलाई है उसमें लैक्टोज जो प्रेजेंट है उस लैक्टोज को ई कोलाई के सेल मतलब सेल में अंदर लेने के लिए ये परमीएज एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क करता है. और क्या होता है, जो भी लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर लेने में एज ए ट्रांसपोर्टर वर्क करता है. एंड ट्रांस एसिटाइलेज जो लैक ए बनाया है ये क्या करता है, ये एड करता है एसिटाइल ग्रुप. ओके, क्या होता है कि एक थायोग्लाइकोसाइडेज होता है वो क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है बैक्टीरिया के लिए. ये थायोग्लाइकोसाइड्स हैं वो क्या होता है कि टॉक्सिक होता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया है उसके उसमें उसका जो है से डेथ भी हो सकता है. इस वजह से क्या कहते हैं, एसिटाइलेज जो है ट्रांस एसिटाइलेज उसमें क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप जोड़कर उसे नॉन टॉक्सिक बना देता है, उसे क्या कहता है, इनएक्टिव कर देता है. ओके,
तो ये सारा प्रोसेस कब था, जब लैक्टोज प्रेजेंट था, तो लैक्टोज ने क्या किया, एलोलैक्टोज बनाया, एसोमर अपना बनाकर लैक रिप्रेसर में क्या किया, वो जाकर उसे बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाता, और जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड कर लेते हैं, और क्या करता है फर्दर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो है और ट्रांसलेशन से 3 डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन क्या करता है, जो लैक्टोज है उसे बैक्टीरिया के लिए लेने में यूज करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हेल्पफुल करते हैं। ओके, तो ये रहा जब व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब हम केस टू देख लेते हैं, व्हेन लैक्टोज अब्सेंट है, तो ये लैक आई क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन तो ये कंटिन्यूसली बनाता ही रहता है, तो रिप्रेसर प्रोटीन बन गया लैक रिप्रेसर प्रोटीन, बट क्या अब लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है तो एलोलैक्टोज कैसे बनेगा, एलोलैक्टोज बनता नहीं है तो क्या करता है, ये लैक्टोज जाकर ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर जाता है, ये यहाँ पर आके बैठ जाता है, इसके वजह से क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो यहाँ आके बाइंड तो कर जाता है, बट क्या होता है ये जो ऑपरेटर जो लैक रिप्रेसर है वो इसके लिए, ये लैक रिप्रेसर क्या क्या है यहाँ के जो है बाइंड कर लिया, तो ये क्या होगा इसके लिए ब्लॉकेज का काम क्या हो, ये प्रोमोटर पे जो पॉलीमरेज है वो क्या होंगे ब्लॉक हो गए, वो आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये जो प्रोटीन्स है ये नहीं बनेंगे। ये प्रोटीन्स बनते क्यों है, क्योंकि लैक्टोज जो है वो जो इकोलाई है वो उसे लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके, जब लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो इस प्रोटीन्स का भी काम ही नहीं कि लैक्टोज को ब्रेक करे और अंदर ले या उसे नॉन टॉक्सिक बनाए, तो इस प्रोटीन्स का कुछ काम ही नहीं क्योंकि लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं, इस वजह से क्या होता है जो है ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो हमने क्या देखा कि वन जब लैक्टोज अब्सेंट था तो क्या हुआ, ये लैक रिप्रेसर जाकर इसे बाइंड कर लिया, क्योंकि लैक नहीं है तो एलोलैक्टोज नहीं है जो कि इसे कन्फर्मेशन चेंजेस नहीं ला पाए लैक रिप्रेसर में, इसकी वजह से क्या हुआ लैक जो है रिप्रेसर जाके ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर लिया और आरएनए पॉलीमरेज के लिए ब्लॉकेज का काम किया, उसकी वजह से क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन रुक गया। तो ये था नेगेटिव रेगुलेशन। इसे नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोले, क्योंकि ऑपरॉन का खुद का लैक रिप्रेसर इसे परफॉर्म करने से, इसे ट्रांसक्राइब करने से रोक रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोले इसलिए इसे क्या बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा है ओके इसे इसने क्या किया ऑपरेंट का खुद का रिप्रेसर इसे ब्लॉक कर दिया ओके दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव रेगुलेशन। अब हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है। ये जो लैक ऑपरॉन में ये जो प्रमोटर होता है ना इसे वीक प्रमोटर कहते हैं। वीक प्रमोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो प्रमोटर का जो सीक्वेंस होता है, जो प्रमोटर जिस सीक्वेंस पे बाइंड होता है वो क्या होता है -10 to -35 पर होता है, बट ऑपरॉन में जो प्रमोटर जिस सीक्वेंस में होता है उसके कुछ सीक्वेंस पे चेंजेस आ जाते हैं, इस वजह से क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर पे टाइटली बाइंडिंग कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट होता है वो बहुत बेसल लेवल पे होता है ओके इसी रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है पॉजिटिव रेगुलेशन किया जाता है ओके प्रोटीन के बगल में ही एक कैप बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं ओके इसमें आके क्या बाइंड करता है कैप के एक एक्टिवेटर है, इसका फुल फॉर्म क्या है कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, बट ये क्या होता है इनएक्टिव होता है, इसे एक्टिव कौन करता है साइक्लिक एएमपी क्या करता है इसे आके एक्टिव करता है, और ये दोनों यहाँ आकर कैप बाइंडिंग साइट पर क्या करते हैं बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के सिक्वेंस में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से टाइटली बाइंड कर जाता है और जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है ओके ये रेट का इंक्रीज करना ही क्या हुआ ये पॉजिटिव रेगुलेशन हुआ ओके बट ये जो साइक्लिक एएमपी है वो कहाँ से बनता है वो एटीपी में जब एक एंजाइम है जो एडेनाइलेट साइक्लेज है वो क्या करता है ये एंजाइम ये दो फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से क्या करता है हटा देता है रिमूव कर देता है और क्या बनाता है साइक्लिक एएमपी। ये जो साइक्लिक एएमपी है वो डिपेंड करता है ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन पे, जो साइक्लिक एएमपी के इस पे डिपेंड करता है ग्लूकोज के लेवल पे, जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तब क्या करेगा जो
एंजाइम है एडेनाइलेट साइक्लेज जो कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं वो इनएक्टिव हो जाता है जब ग्लूकोज का लेवल क्या होता है हाई होता है। अगर ये इनएक्टिव है तो ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी बनाएगा नहीं, साइक्लिक एएमपी बनेगा नहीं तो कैप को ये एक्टिव करेगा नहीं, कैप एक्टिव नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर पर टाइटली बाइंड नहीं कर पाएगा, टाइटली बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है वो बहुत ही बेसल लेवल पर ही होता रहेगा। ओके, पर जब ग्लूकोज का लेवल लो होगा तब क्या होगा, ये एडेनाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम है जो एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा तो साइक्लिक एएमपी बनाएगा, साइक्लिक एएमपी बनेगा तो क्या होगा, कैप एक्टिव होगा, कैप एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये आके बाइंड करके प्रोमोटर के रीजन में जो है आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, टाइटली बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो अब हम कुछ केस देख लेते हैं जिसमें लैक्टोज और ग्लूकोज से रिलेटेड है कि उसके प्रेजेंट और एब्सेंस में क्या होता है। तो फर्स्ट केस है जब लैक्टोज जो है एब्सेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है तब क्या होगा, लैक्टोज क्या है एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या होगा, एलोलैक्टोज भी नहीं एब्सेंट होगा और रिप्रेसर क्या करेगा, यहां जाकर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर रीजन पे बैठा है उसके लिए ब्लॉकिंग का काम करेगा। ओके, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, बट क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है जो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में ही होता है, सिंपल शुगर बनता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो ईकोलाई है वो एनर्जी के लिए क्या करता है, सिंपल शुगर को यूज करता है। तो जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तब क्या करेंगे, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये केस वन था। केस टू में क्या था, जब लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है इसका क्या मतलब है कि एलोलैक्टोज भी प्रेजेंट होगा, एलोलैक्टोज क्या करेगा, जाके लैक्टिक प्रेशर को ब्लॉक मतलब उसमें जाके बाइंड करके उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस ला देंगे, जिसकी वजह से लैक्टिक प्रेशर क्या करेगा, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोमोटर रीजन पे वो इजीली आगे बढ़कर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनाएंगे। ओके, और प्रोटीन्स बनाएंगे तो ये क्या हो गया, जब लैक्टोज प्रेजेंट और ग्लूकोज क्या एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट इसका क्या मतलब कि जो कैंप है वो क्या है, वो भी प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो वो कैप को एक्टिव करेगा और जो कन्फर्मेशनल डीएनए में चेंजेस आएंगे कन्फर्मेशनल, उसमें की वजह से क्या हो जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पर टाइटली बाइंड कर जाएगा और जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, थर्ड केस क्या है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जब दोनों ही प्रेजेंट है, यानी लैक्टोज प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है बट ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट इसका क्या मतलब है, जो साइक्लिक एएमपी है वो क्या है, वो जाकर वो साइक्लिक एएमपी नहीं होगा, यानी कि कैप भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है उस टाइम क्या हो जाएगा, बेसल लेवल पे हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट केस में जब लैक्टोज एब्सेंट है इसका क्या मतलब है कि जो नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, लैक्टोज एब्सेंट है मतलब ये वाला केस हमने देखा कि नेगेटिवली रेगुलेट हो रहा है, बट लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन हो जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन में यानी कि जो रेट है ट्रांसक्रिप्शन का वो इंक्रीज कर जाएगा। और थर्ड केस में हमने क्या देखा, मैंने लैक्टोज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ही बेसल लेवल पर जो ट्रांसक्रिप्शन जो चल रहा था वो वाला परफॉर्म करेगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ दूसरे वीडियो को अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम उसे ही लाने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू।